एक बहुत ही जनरल सा एक सवाल है जो अक्सर पूछते हैं मेरे से लोग, और कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट आया था कि मुझे किस इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो मैंने 5,000 का कोर्स किया था, और लक्ष्मी नगर का एक इंस्टीट्यूट था छोटा सा, हार्डली एक रूम का था, बट उसे सिखाया बड़ा मस्त था। और उसने हार्डली मतलब 15 डेज के अंदर उसने मुझे SEO और बाकी चीज़ें सिखा दी। एवरी डे का 2 घंटा वो मेरे से देता था और मुझे सिखाता था, तो मैंने वो वहाँ से 5,000 का एक कोर्स किया। कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से सीखते हैं, आप कंपनीज को सिर्फ यही मतलब है कि आपको वो काम आना चाहिए। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा कि आप इस इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। आपका अगर आपके पास पैसा है गो अहेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूट का ठप्पा लग जाएगा बट कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, जब इंटरव्यू में अगर एक छोटा इंस्टीट्यूट वाला अच्छा सिखा देता है सामने वाले को तो काम कर जाता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने जितनों को सिखाया है, मतलब मैं फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा ज़रूरतमंद है उसको सिखाना चाहिए तो मैं उनको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो उनका कोई इंस्टीट्यूट का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर, फिर भी वो इंटरव्यूज क्रैक कर लेते हैं। तो वही डिपेंड करता है कि आप को कितना आता है। छोटा इंस्टीट्यूट रहेगा आप पर ध्यान ज़्यादा देगा, अगर आप बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं उनके फैकल्टी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अक्सर गैप बढ़ता रहता है, और जो 2 महीने का कोर्स होता है वो 2.5 से 3 महीने कभी कभी 5 महीने तक जाके होता है। सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपको करना है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जाके लगभग 1 से 1.5 महीने वाला जो होता है कोर्स वो कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी जगह से कर लीजिए। NIT वगैरह का जो ब्रांड है वो अच्छा ब्रांड है, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट की यहाँ बड़ाई नहीं कर रहा, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। SEO और डिजिटल मार्केटिंग के लिए जितना छोटा सा छोटा इंस्टीट्यूट हो सके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आप टाइम देगा, आपको प्रैक्टिकल के लिए टाइम देगा, आपको थ्योरी के लिए टाइम देगा, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आप उस इंस्टीट्यूट का नाम भी अपने रिज्यूम में मेंशन कर देते हैं, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से, आपने ये सारा चीज़ किया हुआ है, कोर्स कहाँ से किया, क्या फर्क पड़ता है। बट आपको जब वो पूछ रहा है आपने जवाब दे दिया आपकी हायरिंग हो जाएगी, ये डिपेंड करता है। तो कहीं से भी कर लीजिए, छोटे से इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, बट लिंक सीख लीजिए। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।